हेलो फ्रेंड्स, आई एम तान्या एंड वेलकम बैक टू तान्याज किचन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में नवरात्रि स्पेशल एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ में साबूदाना बड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी हम बहुत कम ऑयल का यूज़ करेंगे, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम साबूदाना ले रखा है। इसको मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, जिससे ये अच्छे से फूल गया और इसका पानी अच्छे से मैंने निकाल दिया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे। इसमें हम ये साबूदाना डालेंगे जो हमने ये साबूदाना ले रखा है। ये मैंने इसमें साबूदाना निकाले। यहाँ पर मैंने 4 बॉयल आलू ले रखे हैं, जिनको मैंने अच्छे से पहले बॉयल कर लिया था और इसका छिलका निकाल दिया था। तो हम एक मोटी उसकी कसने वाली कसनी से ले लेंगे और इसको हम अच्छे से कस लेंगे। इसमें इसी तरीके सारे हम आलुओं को जल्दी जल्दी इसमें कस लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को कस लिया है। यहाँ पर मैंने ये मूंगफली ली थी, थोड़ी सी 50 ग्राम मैंने मूंगफली ली थी, जिसका मैंने पाउडर बना लिया था। पहले इसको रोस्ट किया था, उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में जार में डाल के इसका पाउडर बना लिया है। तो अब हम यहाँ पर 3 या 4 टेबल स्पून इसको मूंगफली का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून मूंगफली पाउडर यूज किया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जीरा यूज कर रहे हैं, 1 चम्मच। हम इसमें सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है, 1 चम्मच हम व्रत वाला नमक डालेंगे यहाँ पर, 1 या 1.5 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन चिली ले रखी हैं, जिसको मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई। यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर रखा है, इसको भी हम डाल देंगे। तो ये सब मैंने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, जिससे ये एक डो बन जाए अच्छे से। तो इसे हम डो बनाएंगे इसका अच्छे से। तो यहां पर मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया, इस तरह से देखिए। तो ये मैंने अच्छे से कर लिया था। अब हम इसकी एक पेड़े टाइप का डो बनाएंगे। तो इसका हम इस तरह से, थोड़ा सा मैंने घी लगा रखा था हाथों पर, और इसका हम एक बड़ा बनाएंगे। अब इस तरह से मैंने इसका डो तैयार कर लिया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल के इस तरह से रख देते हैं। इसी तरीके से हम सारे डो बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारे बना ले रहे हैं एक एक करके, देखिए। तो यहाँ पर मैंने सारे बड़े बना लिए हैं साबूदाना के। तो अब हम इसके लिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने जो बड़े बनाए थे, उसको अब हम इस तवे पे एक एक करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल पहले से लगा ले रही हूँ और इसको हम स्प्रेड कर दे रही हूँ ऑयल को। अब हम इस पे एक एक करके ये बड़े रखेंगे। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम। मैंने ऑयल पहले से रख दिया था, तो इस पे हम थोड़े से और रख देते हैं। बहुत कम ऑयल में हम यूज करके ये बड़े बनाएंगे। इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। तो एक साइड से ही हो गया है, तो अब हम इसको पलट के देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुई हैं सारी टिक्कियां। इसको एक एक करके इस तरह से हम पलट देते हैं फॉर्क की हेल्प से। इसी तरीके से हम 5 मिनट और इस साइड से भी करेंगे, जिससे इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तब तक हमने 5 मिनट फ्राई कर लिया है, तो इसको एक बार पलट के देख लेते हैं कि ये फ्राई हो गया है। यानी ये देखिए, ये तो काफी अच्छे से फ्राई भी हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक एक करके।
यहाँ पर। ये देखिए कितने अच्छे से बन गई हैं। सारी टिक्कियों को हम एक एक करके निकाल ले रहे हैं इसमें। जिसको इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी होगा वो भी सोक कर लेगा। तो ये काफी हेल्दी और अच्छा है फास्ट में खाने के पर्पज से। तो ये मैंने यहाँ पर निकाल ली है सारी। ये काफी अच्छी और क्रिस्पी सी बनी हुई है, देखिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर साबूदाना की वड़ी की रेसिपी बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी है और फास्ट में हम लोग डेली कुछ ना कुछ खाने का मन करता है कि कुछ डिफरेंट हो। डेली एक सा खा के हम बोर हो जाते हैं, तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है। यहाँ पर मैंने बहुत कम ऑयल का यूज़ किया है तो इसलिए ये बहुत ही हेल्दी है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे बड़े की रेसिपी को एक सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। अगर फ्रेंड्स आप ग्रीन चटनी बनाना जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाई है, तो प्लीज आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक पे क्लिक करिए और आप देखिए कि मैंने ग्रीन चटनी कैसे बनाई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी साबूदाना बड़े की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you, friends.